से चला जाना। हेलो गाइस, तो आज हमारे दीघा ट्रिप का सेकंड डे है। तो आज हम निकले हैं शंकरपुर और ताजपुर का बीच एक्सप्लोर करने। तो साथ में आपको देंगे कुछ जानकारी, दिखाएंगे पूरा बीच, और आप भी अगर अपना प्लान बनाते हैं तो कैसे यहां पर आएंगे वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। आप अगर कोलकाता से आते हैं तो कोलकाता दीघा वाले रूट में आपको एक स्टॉप मिलेगा 14 माइल, वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है और 5 किलोमीटर अंदर जाना है। ये सब स्टॉल्स देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम बीच किनारे आ गए हैं, और ये है पार्किंग एरिया। तो हम अपना बाइक यहाँ पर पार्क करेंगे। वीडियो मैंने बाहर से लिया था आपको थोड़ा दिखाने के लिए और थोड़ा आइडिया देने के लिए कि कैसे कैसे होटल्स यहाँ पर है। तो चलिए अभी थोड़ा बीच और उसका आसपास आपको घुमा के दिखाते हैं कि कितना ऑर्गेनाइज्ड है। बीच के ऊपर ही आपको मिल जाएगा ये वाला रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपना ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हैं। और यहाँ जो साइड में स्टॉल्स लगा हुआ है, आप यहाँ से भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नारियल पानी, नॉर्मल पानी, ऐसे ब्रेड टोस्ट, बटर टोस्ट, घुगनी मूढ़ी, बॉयल्ड एग, चाय और भी बहुत कुछ मिल जाएंगे। बीच किनारे आप ऐसा कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। शंकरपुर बीच आपको कैसा लगा वो कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये था पूरा डिटेल शंकरपुर का, और अभी हम चलते हैं ताजपुर की तरफ। गूगल मैप में हम ताजपुर सेट किए और निकल पड़े ताजपुर की तरफ। पर यहाँ जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि सब कुछ बिखरा पड़ा है, तो हम लोकल लोगों से पूछे कि रास्ते का कंडीशन क्या है, तो वो लोग बोले कि इस रास्ते से जाना सेफ नहीं होगा क्योंकि रास्ता भी टूट गया है तूफान की वजह से। लास्ट टाइम जो तूफान आया था उसका स्टोरी हम थोड़ा सुन लेते हैं इस आंटी के मुँह से। जिनिस पत्र निये चला गया, सब भेजे चला गया। तो वो लोग कुछ आइडिया ही नहीं कर पाए थे कि इतना बड़ा तूफान आएगा कि उनका पूरा घर ही लेके चला जाएगा। ये सब सुन के दिल थोड़ा भारी हो गया और हम बैक करके आ गए मेन रोड पे। तो बैक करके हम आ गए बालीसाई, वहां से हमें लेना पड़ा राइट। तो आप अगर कोलकाता से आते हैं तो आपको लेना पड़ेगा लेफ्ट, क्योंकि पहले आता है ताजपुर फिर आता है शंकरपुर। बालीसाई से ताजपुर का बीच 5.5 किलोमीटर अंदर है। बीच में 3 किलोमीटर हमें रोड खराब मिला, उसके बाद ले लिए एक लेफ्ट और एक अच्छे रास्ते से हम पहुंच गए ताजपुर। और इस रास्ते के दोनों साइड में इतने सारे होटल्स और रिसॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे कि आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये हम आ गए हैं ताजपुर बीच, और यहाँ पर हमने अपना बाइक पार्क किया है, और यहाँ पर पार्किंग का बहुत बड़ा स्पेस है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बीच की तरफ।
रहने की प्रॉपर जगह भी बना हुआ है। तो चलिए आपको थोड़ा बीच घुमा के दिखाते हैं। वहाँ बहुत सारे इस तरह के रेड स्टोन्स पड़े हुए थे तो मैं ये घर लेके आई। ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नारियल का पानी पीने, देखते हैं रेट क्या बोलते हैं। 50-60-70। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे किसी ब्लॉग में। मेरा वीडियो आज आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो अभी तक अगर आपने दीघा वाला ब्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक में क्लिक करके जल्दी से देख लीजिए।